हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी टीम प्रिडिक्शन पे। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ आज पाकिस्तान वर्सेज स्कॉटलैंड सेकंड टी20 के बारे में। यहाँ पे हम प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, एवरेज स्कोर प्रिडिक्शन तथा ड्रीम 11 टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा फैन फाइट वर्क नहीं कर रहा है इसलिए मैं फैन फाइट की टीम प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, इसलिए माफी चाहता हूँ, लेकिन उसमें बता दूंगा फैन फाइट में किस रखे। देखिए ये होता है, बाहर आ जाते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबिलिटी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। उसके साथ साथ आप चैनल को लाइक जरूर कर दें। अब स्कॉटलैंड की बात कीजिए, काइल कोटजन, मैथ्यू क्रॉस, कॉली मैकडो, डी बज, बैरिंगटन, मुंशी, लिस्क, वार्ड, एवन, शरीफ और ताहिर और सॉल में से कोई एक खेलेगा। अब बात की जाए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो वही सेम प्लेइंग 11 रह सकती है, या आमिर की जगह पर उस्मान खान, शाहिन शाह अफरीदी को भी कर सकता है, क्योंकि आमिर लगातार रेगुलरली इतने मैच नहीं खेलते हैं। पिच रिपोर्ट की वजह ग्रैंड क्रिकेट क्लब में एवरेज स्कोर है, पाकिस्तान बैटिंग फ्रेंडली है। पिछली बार सारी चीज़ें हमारी राइट गई और हमने अच्छी तरीके से स्मॉल लीग विन करी। अब बात की जाए इस मैच के बारे में, मैंने टीम बना रखी है, मैं आपको टीम का वो दिखा देता हूँ। रखा है हमने विकेट कीपर में सरफराज अहमद, क्योंकि ग्रैंड लीग के भी ये थे कैप्टन शोएब मलिक, काइल कोटजन को मिस किया हमने, कॉलिन मैकलियोड को मिस किया हमने, फखर जमान, अहमद शहजाद और जॉर्जी मुंशी को रखा है, मुंशी भी ओपनिंग कर रहे हैं आजकल, सदाब खान, रिची बैरिंगटन को रखा, फहीम अशरफ को रख सकते हैं, माइकल लिस्ट को रख सकते हैं, मैंने हुसैन तलत को रखा है क्योंकि वन डाउन आते हैं बॉलिंग भी कर रहे हैं। फिर मैंने रखा है हसन अली को, मोहम्मद आमिर को रख सकते हैं लेकिन अपने अलसदर एविंस भी रख सकते हैं आप, लेकिन मैंने नहीं रखा है। या एक आपको देर चाहिए तो हमजे ताहिर को रख के शाफियान शरीफ की जगह पे अलसदर एविंस को रख सकते हैं, लेकिन मैंने शाफियान शरीफ को रखा है, उसके बाद मार्क वाट को रखा है। यह है मेरी टीम क्योंकि इसमें स्पिन फ्रेंडली है ज़्यादा। या तो आप एक काम और कर सकते हैं, सदाब खान को कैप्टन बना सकते हैं। कैप्टन मैंने यहाँ पे फखर जमान बनाया, वाइस कैप्टन रिची बैरिंगटन बनाया, रिची बैरिंगटन की जगह पे आप वाइस कैप्टन में हसन अली को भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिची बैरिंगटन के साथ ही जाने वाला हूँ क्योंकि ये बॉलिंग भी ओवर कर रहे हैं। ये रही टीम प्रीव्यू, इसमें अदर ऑप्शन की बात करें कैप्टन की, तो शोएब मलिक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन आर अहमद शहजाद, हुसैन तलत और साफियान शरीफ और हसन अली, ये है बेस्ट ऑप्शन। अब बात कर ली जाए कि अब हमने नेक्स्ट वीडियो इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान हिस्टोरिक टेस्ट मैच का आने वाला है। इससे पहले हमने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की वीडियो दे दी, आयरलैंड और न्यूजीलैंड की वीडियो प्रोवाइड कर दी है, स्कॉटलैंड पाकिस्तान की वीडियो आप देख ही रहे हैं, नेदरलैंड और आयरलैंड की वीडियो दे रखी है, अगला मैच ये है हमारा। तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इस और आपको मैं एक और बता रहा हूँ कि आपकी एक खुशखबरी कि हमने फुटबॉल की टीम प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है, वो भी पूरे स्टेट्स के साथ कि कौन सी टीम किस तरीके से है। तो देख सकते हैं सऊदी अरब वर्सेस रशिया का मैच का वीडियो भी हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो आप जाइए मेरे वीडियोस में उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात कर ली जाए, देखिए इस मैच की प्रोवाइड कर रखी है मैंने, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब बात की जाए कि नेक्स्ट हम अपने चैनल में क्या कर सकते हैं, हम एनबीए की टीम भी प्रोवाइड करनी शुरू कर देंगे। अगर आपका कमेंट आता है कि हाँ भैया एनबीए की भी टीम प्रोवाइड करो, तो मैं एनबीए की टीम प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपने अभी तक ड्रीम 11 डाउनलोड नहीं किया है, खेल नहीं रहे हैं और खेलना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।